सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार से केरल के ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल तक महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक से जुड़ी याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। पिछले साल 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ ने अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव रोकने, अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त करने जैसे सवालों सहित 4 मुद्दों पर पूरे मामले की सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ के हवाले कर दी थी। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता द इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन ने भगवान अयप्पन के मंदिर में पिछले 800 साल से महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी थी। याचिका में केरल सरकार, दत्रावन को देवस्वम बोर्ड और मंदिर के मुख्य पुजारी सहित डीएम को 10-50 आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने की मांग की थी। इस मामले में 7 नवंबर 2016 को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि वो मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के समर्थन में हैं। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, खासकर 15 साल से ऊपर की लड़कियां और महिलाएं इस मंदिर में नहीं जा सकती हैं। यहां सिर्फ छोटी बच्चियां और बूढ़ी महिलाएं ही प्रवेश कर सकती हैं। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे। सबरीमाला मंदिर में हर साल नवंबर से जनवरी तक श्रद्धालु अयप्पा भगवान के दर्शन किए जाते हैं।